हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाटरशेड कार्यक्रम क्या है। वर्षा के दिनों में वर्षा के जल को एकत्र करके उस जल का प्रयोग अन्य कार्यों में करना एवं वर्षा जल को संसाधन के माध्यम से संचित करना ही वाटरशेड कार्यक्रम कहलाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ें तो भारत में समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को प्रारंभ करने का उद्देश्य सूखे मरुभूमि और बंजर भूमि एवं क्षेत्रों का विकास करना था, ताकि इन क्षेत्रों में हो रहे अपघटन एवं घटते जल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, जिसके एवज में सर्वप्रथम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP को भारत सरकार के द्वारा 1973-74 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम को भारत के 16 राज्यों के 195 जिलों में प्रारंभ किया गया था और छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के 29 विकास खंड में प्रारंभ किया गया था। आपको बता दें कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को 500 हेक्टेयर तक के परियोजना में लागू किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 6000 रुपए सहायता दिया जाता था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भूमि, फसल, कृषि और मानवों में सूखे के प्रभाव को कम करने पर ध्यान दिया गया था। इसी के साथ सतत भूमि, जल संसाधन एवं वन के माध्यम से भूमिगत जल को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम के बाद यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम को भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का उद्देश्य मरुस्थलीय प्रभाव को कम करना, वृक्षारोपण करना एवं सूखे की स्थिति को बदलना था। वहीं इस योजना के तहत परियोजना लागत 30 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम के बाद यानी मरुभूमि विकास कार्यक्रम के बाद समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी IWDP प्रारंभ किया गया। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1989-90 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को भूमि संसाधन विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंजर भूमि के स्थान पर वनस्पति आच्छादन को बढ़ावा देना एवं बंजर भूमि को वाटरशेड के तहत विकास करना था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत परियोजना के लिए 31 मार्च 2000 से पहले 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर केंद्र के द्वारा दिया जाता था। फिर बाद में इस परियोजना के लिए 1 अप्रैल 2000 के बाद 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाने लगा। वहीं आगे के क्रम में इसके बाद 1 अप्रैल 2008 को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत लाया गया, जिसमें 26 फरवरी 2009 में संशोधन भी किया गया, जिसमें तीनों कार्यक्रमों यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को मिलाकर एक नया यानी समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP को प्रारंभ कर दिया गया। अब हम आगे का संपूर्ण चर्चा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP पर करेंगे। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP को मुख्यतः दो इकाइयों यानी अक्रमिक भूमि यानी बंजर भूमि के विकास के लिए एवं वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए प्रारंभ किया गया, जिसमें 1000 से लेकर 5000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को शामिल किया गया। अब हम इस कार्यक्रम के तहत सहायता राशि की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत मैदानी क्षेत्र के लिए परियोजना के लिए 12000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दिया जाता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र के लिए परियोजना के लिए 15000 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता दिया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत केंद्र एवं राज्य का हिस्सेदारी 90:10 का है और इस कार्यक्रम के तहत सहायता राशि को 3 किस्तों में दिया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत संचालित होने वाले परियोजना का अवधि 4 से 7 वर्ष का होता है, जिसमें केंद्र, राज्य एवं जिला एक घटक के रूप में काम करते हैं।
अब हम वाटरशेड कार्यक्रम के मापदंड की बात करें तो यह कार्यक्रम मुख्यतः पेयजल के अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र, भूजल संसाधन दोहन वाले क्षेत्र और बंजर भूमि के उपलब्धता वाले क्षेत्र पर चलाया जाता है। आपको बता दें कि इन सभी परियोजनाओं का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए, जो इस कार्यक्रम का मुख्य विशेषता है। अब हम इस कार्यक्रम के पद्धति की बात करें तो इस कार्यक्रम को 3 स्तर पर बांटा गया है। पहला शिखर स्तर पर, दूसरा ढलान स्तर पर और तीसरा मैदानी स्तर पर। वहीं अंतिम में हम वाटरशेड के माप की बात करें तो मिनी वाटरशेड का माप 1 से लेकर 100 हेक्टेयर होता है, वहीं माइक्रो वाटरशेड का माप 100 से लेकर 1000 हेक्टेयर होता है, वहीं मिली वाटरशेड का माप 5000 हेक्टेयर होता है, वहीं अंतिम में मैक्रो वाटरशेड का माप 50000 हेक्टेयर होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।